इस लेसन में मैं आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में बताऊंगी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं बताती हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द थ्योरेटिकल एवरेज ऑफ द वेरिएबल। देखिए फोकस किस पे है, ये थ्योरेटिकल एवरेज इसमें आएगा। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज होती है, अगेन के जितने भी सैंपल स्पेस हैं उसको हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोबेबिलिटी को और ऐड करते हैं तो उसका टोटल 1 आना चाहिए, उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी कहते हैं। उसकी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू और जिसको हम एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं इज बाय डेफिनेशन द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मैं आपको फिर बता देती हूँ। सपोज अगर हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो या हेड आएगा या टेल आएगा। देखिए दो ऑप्शन है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, इससे कम नहीं आ सकती, इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। अगर कोई पूछेगा कि कॉइन को आपने फ्लिप किया और उसका सैंपल स्पेस कितना होगा तो आपने 2 कहना है कि हेड आएगा या टेल आएगा, एक नहीं कहना। अगर आप एक कहेंगे कि हेड आया उसको हम कहेंगे ये इसकी आउटकम है, लेकिन सैंपल स्पेस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं। जैसे आप डाई को रोल करते हैं छक्के को लूडो खेलते हुए तो उसमें 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए तो उसका सैंपल स्पेस 6 है, लेकिन अगर उसमें से 5 आ जाता है तो उसको हम कहते हैं ये आउटकम है, राइट। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मैं कहूँ कि हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, आप कहेंगे 0.50 है यानी 50% है। टेल की कितनी है कि टेल आ जाए, 0.50 है यानी 50% है। दोनों को ऐड करें तो 1 होगा, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जब हम प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसका हमने मीन कैसे कैलकुलेट करना होता है, जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए, म्यू, क्योंकि ये मीन है और हम इसको कह सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये एक्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वाई जी ए बी एक्स जो भी है, हम मैंने जनरली इसको यहाँ पे एक्स लिख दिया है। हमने क्या करना है, जो भी आउटकम आया, जैसे हमने रोल डाई किया और 2 आ गया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई करना है। फिर 3 आया, फिर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है उसको उससे मल्टीप्लाई करके, ये इसका मीनिंग होता है सबमिशन, आखिर में सबको ऐड करना होता है। ये इसका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने का। फ्रीक्वेंसी को जो डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं उसका मीन हम निकालते हैं, उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सपोज आपके पास 5 बॉक्सेस हैं, आपने उस पर नंबर लगा दिए हैं, एक का नंबर है 3, एक का 5, 7, 8, 9, ये मैंने रेंडमली कोई से भी नंबर लगा दिए। आप बॉल्स ले सकते हैं, पेंसिल्स ले सकते हैं, कोई भी 5, 6 चीजें जो भी आपने लेनी है उसको लें, उसका नंबर हमने लगा दिए। उस इन सब में से आपने एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, सपोज मैंने 5 इसमें से पिक किया है और मैं उसका नंबर नोट किया और उसको दोबारा डाल दिया उसमें, तो राइट क्या मैंने मालूम करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर दैट विल अकर, यानी उसका मीन हमने निकालना है। सिंपल आप ये कह सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, देखिए यहाँ मैंने वाई से इसको किया है तो मैं यहाँ वाई लिख दूंगी, लेकिन फॉर्मूले में मैंने आपको एक्स लिखा था, वो एक जर्नल है, जो भी आपके पास वेरिएबल होगा आप लिख सकते हैं। क्या करना है, आउटकम, पहला बॉक्स क्या है, 3 लिखा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 3 पिक कर लेंगे, तो देखें एक ही 3 है सब में से, तो 1/5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। प्लस 5, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/5। 7 आउटकम है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1.5 है। 8 आउटकम है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1.5 है। 9 की भी सेम है। अब देखें डिनोमिनेटर सबके सेम है, आप ऊपर इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, 3/5, 5/5, आपने कैलकुलेट किया 6.4 एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी आ गई। सो सिंपल। एक और क्वेश्चन है, सपोज आप 1000 टिकट सेल होते हैं और $1 का, $1 का सपोज एक टिकट है, राइट। इस तरह अक्सर होता है कि लॉटरीज हो रही होती हैं, या आप कहते हैं कि $1 में वॉशिंग मशीन ले लें, $1 में टेलीविजन ले लें, फ्रिज जो भी ले लें, $1 का टिकट है, या ₹10 का हो, जो जो भी आप कह सकते हैं। यहाँ मैंने बनाया है 1000 टिकट सेल करने हैं, $1 का एक टिकट है, वॉशिंग मशीन की कीमत है $450, राइट। आपने भी एक टिकट खरीद लिया है, क्या इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है ऑफ गेन इफ यू परचेज वन टिकट, राइट।
सेम आपने करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि अगर आप विन कर गए, $1 का आपने लिया है, अगर आप विन कर जाते हैं तो उसकी कीमत कितनी है, 450। $1 का आपने टिकट लिया है, $1 आप लूज कर देंगे और 449 आपको प्रॉफिट हो जाएगा, यानी वो वॉशिंग मशीन की कीमत 450 थी। ऐसे करते हैं। प्रोबेबिलिटी जी, यहाँ जेड वेरिएबल लिखा है 1, क्योंकि अगर आपने एक टिकट खरीदा है 1/1000, ये आपके पास सैंपल स्पेस है, टोटल जितना है उसमें से एक आपने लिया है। अगर आप लूज करते हैं तो 999 999 divided by 1000। सेम चीज यहाँ मैंने लिखी है, फॉर अ विन द नेट गेन इज 449 और आपको कितना लॉस कितना होगा, एक का, क्योंकि आपको ये $1 वापस नहीं मिलेगा, आपको वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, एज यू विल नॉट गेट बैक $1। फॉर अ लूज, अगर आप लूज कर देते हैं, नहीं आपकी लॉटरी निकली, तो गेन को हमने रिप्रेजेंट किया है -1 से, यानी ये आपका डॉलर आपको वापस नहीं मिलेगा, ये चला गया। करने का तरीका क्या है, क्या आउटकम है 449, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/1000, 1000 लोगों में से एक चांस है कि आप विन कर जाएं, राइट। लूज करने की इसका आउटकम है -1, अगर लूज कर गए आपको नहीं हुआ, क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें, एक तो आप उसमें खुद शामिल हैं, इसलिए 999 999 divided by 1000, ये इसके चांसेस हैं। आप इसको सिंपलीफाई कर लें तो आएगा 0.55, इट मींस दैट अ पर्सन वुड लूज $0.55 एवरेज। देखिए, मीन हम कह रहे हैं ऑन ईच टिकट परचेस्ड, ये होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू। से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और बहुत शुक्रिया।